हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको माघ मेला 2023 जो कि प्रयागराज में लगा है उसमें घुमाएंगे और इसकी पौराणिकता लेकर जितने भी तथ्य हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने प्रयागराज के संगम में लगने वाले माघ मेले के बारे में तो सुना ही होगा। इस माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन से शुरू होती है और महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि माघ मेला, कल्पवास आदि का अर्थ क्या है? जिसे आम भाषा में कहें तो इसका मतलब क्या है? और क्या यह सिर्फ प्रयागराज में लगता है? और यहाँ पर जो लोग एक महीने तक निवास करते हैं उन्हें कल्पवासी कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कल्पवास आखिर में है क्या। कल्पवास अर्थात संगम के किनारे बैठकर वेद पुराणों का अध्ययन करते हुए जीवन के मर्म को समझना ही माघ मेले का मुख्य अर्थ होता है। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन को चार स्तर में विभाजित किया गया है, जिसमें से सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एवं आखिरी संन्यास होता है। ब्रह्मचर्य में मुख्यतः बालकों को रखा जाता है जो कि शिक्षा के साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उसके बाद वैवाहिक जीवन का आरंभ ही गृहस्थ जीवन की पहचान होती है। इसके बाद जब गृहस्थ जीवन से और आगे बढ़ने पर कल्पवास के लिए वही लोग जाते हैं जो जीवन के वनप्रस्थ अवस्था में होते हैं, अर्थात 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हुए लोग। प्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार इत्यादि प्रमुख धार्मिक जगहों पर माघ मेले का आयोजन होता है। ऐसी मान्यता है कि प्रतिष्ठानपुरी के नरेश पुरुआ के द्वारा माघ मेले के अनुष्ठान के कारण ही अपनी कुरूपता से मुक्ति मिली थी। वहीं ब्रिंग ऋषि के सुझाव पर बाघ जैसे मुख वाले विद्याधर और गौतम ऋषि अभिशप्त इंद्र की भी माघ मेले के बाद मुक्ति मिली थी। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं एवं इस वीडियो का अगला पार्ट जल्द ही हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।